स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के धरने का आज चौथा दिन है। 22 मार्च को सीएमडी आर श्रीनिवासुलु और डीएचआई मिनिस्टर दीपम का पुतला फूंकने के बाद 500-600 कर्मचारियों ने सीएमडी का घेराव करते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद सीएमडी के प्रशासनिक अधिकारी डी बैरवा और सीनियर मैनेजर ने सभी कर्मचारियों के समक्ष अपना प्रतिनिधि मंडल चुनने को कहा और सीएमडी श्रीनिवासुलु से बातचीत की संभावनाएं भी जताई। सीएमडी ने कर्मचारियों के प्रतिनिधि से बात करके उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार वरीयता दी जाएगी। सरकार का डिसीजन है इसको डिसइन्वेस्ट करने के लिए, तो वो तो आ ही गया वेबसाइट में, सब लोग को पता ही है, उसमें मेरे को बोलने की कुछ जरूरत भी नहीं। इनकी समस्याओं कुछ समझा जो इतने लोग का समस्या का जो है वो ऑलरेडी मैं मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दिया हूँ, ठीक है, सेइंग दैट इन लोग को ऑन पार विथ रेगुलर एम्प्लॉइज जो है वो ट्रीट करने के लिए, जो भी बेनिफिट दिया जाता है, मान लो कोई दूसरे कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है, मान लो उसको ऑप्शन देगा तो वो ऑप्शन इसको भी देना चाहिए। सर जब हम रेगुलर होंगे तब तो ऑप्शन, जब हमारी 10 साल से कार्यक्रम आज भी कंपनी रेगुलर नहीं कर रही है तो भविष्य में आने वाली, कोई एक आदमी बोले, कोई एक आदमी बोले, हम वहाँ भी जाएंगे तो ट्रेनिंग करेंगे। सर सर इतना पावर है कि वो अपने कलम से हम लोग रेगुलर कर सकते हैं अभी, मगर वो नहीं कर रहा, जब सर सर नहीं कर पा रहे हमें करे या ना करे उसका मतलब नहीं बनता। मीडिया और सीएमडी से बातचीत होने के बाद संविदा पर कार्यरत कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सीएमडी को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक बंधक बनाए रखा। इस पर स्कूटर इंडिया के प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस फोर्स को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सरोजनी नगर पुलिस ने सीएमडी कर्मियों को बंधक से मुक्त कराया। मैं 12 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, जब ये कंपनी हमको रेगुलर नहीं कर रही है तो अदर कंपनी जो कल आ रही हो तो हमको कैसे रेगुलर जैसा रिस्पॉन्स करेगी मेरे साथ, ये संभव है? तो उसमें क्या प्रावधान है, जरा उस लेटर में क्या है? उसमें प्रावधान है कि कंपनी इन्वेस्ट की डिसइन्वेस्टमेंट जाती है या किसी कंपनी के साथ इसका वो होता है बिकती है, तो उसमें जो है आप लोगों को रेगुलर जैसा प्रावधान 5 साल के लिए दिया जाएगा, 5 साल बाद हम कहाँ चले जाएंगे। जो भी इनका उसमें ये कहना है कि जो भी अदर कंपनी यहाँ पर आएगी जो रेगुलर के साथ करेगी वो हमारे साथ करेगी। अगर रेगुलर अगर रेगुलर को 3 साल के लिए मान लिए या 10 साल या 15 साल जितने साल के लिए भी वहाँ पे प्रावधान रखा जाता है तो उतने साल के लिए मुझे भी रखा जाएगा, लेकिन एज पर अगर रेगुलर एम्प्लॉई यहाँ पर एज पर रोल है वो वहाँ पर भी एज पर रोल ही रहेगा। मैं यहाँ पे 15,012 और संविदा कर्मचारी हूँ, मैं वहाँ भी तो संविदा कर्मचारी ही रहूँगा वहाँ पे, और हमारी सैलरी और वेजेस की कोई सिक्योरिटी नहीं। कंपनी के सभी नाराज कर्मचारियों ने कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लखनऊ से संतोष उपाध्याय की रिपोर्ट, न्यूज टाइम्स इंडिया।